तीन चीज़ों का आज हम अचार बनाने वाले हैं। फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नींबू, जो कि मम्मी ने सुबह उबाल लिए थे, काफ़ी अच्छे हो गए अब। और सेकंड हमारे पास आ जाता है ये गलगल, तो ये भी काफ़ी अच्छा अचार डलता है इनका, वो भी बिना तेल से डालेंगे। और ये रहा एंड में हमारी मूलियाँ। पहले मम्मी जी डालने वाले हैं नींबू का अचार, जो कि पहले से मम्मी ने उबाल लिए थे। तो इसके फुल पीसीज होंगे, ये उबाले हुए हैं, डाल दिए। और ये डाल दिया तेल, वो भी सरसों का तेल। और ये डब्बा रख दिया ऊपर, इसको पूरा रख दो। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो आज मेरी मम्मा जी अचार बनाने वाले हैं, वो भी तीन चार तरह के अचार बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मम्मा जी ने मेथी जो होती है ना, ये मेथी, इसे अच्छे से मम्मी ने रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। तो अभी मम्मी क्या करने वाले हैं, इसे ग्राइंड करना है अभी हमारी मेथी, जिसे हम इस ग्राइंडर में डाल देंगे। इससे क्या होगा, इससे अच्छा खुशबू भी अच्छी आती है और ये काफी टाइम तक चलने वाला अचार बनता है, वो भी बिना तेल के। बिना तेल के बनेगा ना? हाँ, बिना तेल के बिल्कुल हेल्दी बनने वाला है। तो देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो भाई, इस तरह से मम्मी ने अच्छे से इसे पीस लिया, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ कुछ दाने रह गए हैं, बट इट्स ओके, ये भी अच्छे लगेंगे जब अचार में आएंगे मुंह में, है ना मम्मा? इंग्रेडिएंट्स मम्मी जी को चाहिए, मम्मी जी यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, रसोई से ऊपर जाके अचार बनाएंगे। तो सबसे 2 kg नमक ले लिया है, डब्बे ले लिए अचार डालने के, पीसी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर, अजवाइन जो कि हमने आमले के अचार में भी डाली थी, उससे भी काफी अच्छे टेस्ट बढ़ जाता है। मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि अचार खराब हो जाता है। तो मम्मी जी, ये पूरा सालों सालों तक चलने वाला है आपका अचार, वो भी बिना तेल के। तो देखते हैं ये पूरी रेसिपी। तीन चीजों का आज हम अचार बनाने वाले हैं। फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नींबू, जो कि मम्मी ने सुबह उबाल लिए थे, काफी अच्छे हो गए अब। और सेकेंड हमारे पास आ जाता है ये गलगल, तो ये भी काफ़ी अच्छा अचार डलता है इनका, वो भी बिना तेल से डालेंगे। और ये रहा एंड में हमारी मूलियाँ, तो इनका भी अचार डालेंगे, वो भी बिना तेल के। तीनों जो अचार हैं वो हम बिना तेल के बनाने वाले हैं, फुल हेल्दी होने वाले हैं आपके लिए भी। तो इस रेसिपी को पूरा देख के जाए, और ये अचार आपका सालों सालों तक ख़राब नहीं होने वाला, इसकी पूरी गारंटी अगर आप इस रेसिपी को फुल फॉलो करते हो तो। तो पहले मम्मी जी डालने वाले हैं नींबू का अचार, जो कि पहले से मम्मी ने उबाल लिए थे। तो मम्मी जी थोड़ा जोर से बोलना। जो नींबू का अचार डाला था वो काट के डाला था। हाँ जी, तो इस बार किस तरह से डाल रहे हो दिखा दो एक बार। आज मैं साबुत नींबू का अचार डालने वाली हूँ। तो इसके फुल पीसेज होंगे, ये उबाले हुए हैं, ऐसे ही हम डाल देंगे, ऐसे ही मसाला वगैरह ला के मिक्स करके हम डिब्बे में डाल देंगे। इसको काटना नहीं है, ये इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं एज इट इज, उबाल कर बस उबाल कर इसमें मसाले मिक्स करने। अब कौन कौन से इनके, पहले तो मैंने जब उबाले थे ना, हाँ जी, तो हमने फटकड़ी डालकर जब उबाले थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे हैं। फटकड़ी से क्या होता है, साफ हो जाती है इसकी गंदगी, है ना, जो नींबू पर लगती है ना गंदगी वगैरह। अच्छा, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ, देखो कितना व्हाइट सा हो गया है, कई होते हैं ना काले से, काले होते हैं ना, वो नहीं है, कितने तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ, काफी अच्छे तरीके से ये साफ हो गया है, तो ये काफी अच्छा दिमाग लगाया मम्मी जी ने, दिमाग। हाँ, अब और सबसे पहले मम्मी जी डालने वाले हैं इसमें नमक। नमक कितना डालोगे इसमें? हम डालेंगे 2-3 बुक डाल देंगे, 2-3 बुकें डाल देंगे, 2-3 मुठियां डाल देंगे। हाँ। तो इस तरह से मम्मी जी ने ये डाल दिए, और उसके बाद थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन डाल रहे हैं, उसके बाद मम्मी जी स्वाद अनुसार इसमें 1-2 लौंग डालेंगे। लौंग डाल दिया आपने? हाँ, 1-2 खुशबू के लिए मम्मी जी ने लौंग भी डाल दिए, ऑप्शनल है। तो अब डालने वाले मिर्ची, वो भी पीसी हुई मिर्ची, और हम डालने वाले हैं
और ये हल्दी, हल्दी पाउडर डाल दिया, बहुत बढ़िया लग रहा है अब तो। और अब हम डालेंगे जो ये मम्मी ने पीसी हुई थी मेथी, देखी थी आपने, मेथी डालेंगे, थोड़ी सी डालनी है इसमें भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे। तेल तो आपने डालना नहीं था। नहीं नहीं, इसमें डालेंगे ना। क्यों? इसमें जो साबुत नींबू है ना। अच्छा, अचार का ही तेल है वैसे ये, अचार का ही तेल है जो हमने आम का अचार डाला था, वो तेल में डालते हैं, बाकी सारे ऐसे ही डालते हैं, पर इसमें मम्मी जी ने इस बार थोड़ा सा फेर बदल किया है। देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा निकलता है, तो इसके रिजल्ट्स भी आपको बताएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्सअप कर दे रहा है, ऐसे लग रहा जी, लग रहा है अभी खा लूं मैं इसको। मम्मी का दिल तो कर रहा है, मम्मी कह रहे हैं दिल कर रहा है कि अभी खा लूं मैं इनको। अच्छा है, काफी अच्छा कलर निकल के आया अब इनका। थोड़े दिन के बाद हम इसमें थोड़ी सी चीनी या थोड़ा सा गुड़। कितने दिनों के बाद डालोगे? दस दिन के बाद इसमें मम्मी चीनी डाल देंगे। थोड़ा सा गुड़ या चीनी, कोई भी एक चीज डाल देंगे, गुड़ या चीनी कुछ भी डाल सकते हो, अपनी मर्जी है वो। 10 दिन के बाद उससे क्या होगा कि अच्छी से ज्यादा खटास भी नहीं लगेगी और अचार खाने का कुछ अलग ही मजा आएगा। मम्मी जी ने इस बार धूनी नहीं लगाई है जो पिछले आमले के अचार में लगाई थी। अंगारों पे तेल डालना होता है उसमें, फिर उससे डब्बे को अच्छे से हम धुएं से भर देते हैं, तो इससे कि जो अचार है उसकी उम्र और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट ऐसे भी अगर आप अचार डालोगे तो मम्मी कितने सालों तक चलेगा फिर ये? खराब नहीं होता हमारा अचार, ये नहीं होगा खराब, ये गारंटी है हमारी। तो आप इस तरह से काफी अच्छे तरीके से अचार को डाल दिया, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया नींबू का अचार का। तो अगला अचार डालने वाले हैं मम्मी जी, गलगल का अचार डालेंगे। तो पहले इसे डब्बे को अच्छे से भर लेते हैं, फिर देखते हैं अगला अचार कौन सा आएगा। तो ये आपको भी दी अच्छे से, आई होप सो समझ में आ गई होगी। मैं सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। मम्मी ने आज 2 वैरायटी के अचार बनाए हैं, जिसमें मम्मी ने काफ़ी अच्छे से इसे पूर्व जैसे हमारे बनाते थे पूरा वैसे ही अचार बनाया, और ये काफ़ी सालों तक टिकने वाला अचार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, और ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।